कपिल मिश्रा ने की राहुल गांधी की मणिशंकर अय्यर से तुलना, कहा कांग्रेस राजनीति को गंदा करने का कर रही है पाप। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर से राहुल गांधी की तुलना करते हुए कहा कि वो भी अब उनके जैसे ही हो गए हैं, उन्हीं की तरह बयान देने लगे हैं। कपिल मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति की मर्यादाओं को बेशर्मी से तोड़ने वाला काम किया है। राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन ये बताती है कि गांधी परिवार भ्रष्टाचार की जांच में फंस चुका है। जो काम मणिशंकर अय्यर कहते थे वो काम अब राहुल खुद करने लगे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी खुद का राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उसको यही लगेगा कि वो पीएम मोदी के लिए जिस पनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे अपने माथे पर ही टैटू की तरह लगवा ले। तब भी नहीं हुआ पनौती का इस्तेमाल जब दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष का आरोप है कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल तब भी नहीं किया जब आजाद होते ही जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को चला गया। तभी पीएम को पनौती नहीं कहा गया जब चीन ने 1962 में भारत को हरा दिया, अक्साई चीन पर कब्जा जमा लिया। जब लोकतंत्रवादी खत्म कर इंदिरा जी ने आपातकाल लगा दिया उस समय भी पीएम पर यह आरोप नहीं लगाया गया। जब आतंक अपने चरम पर पहुंच गया तब भी कांग्रेस या किसी अन्य पीएम के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। लिट्टी की समस्या उत्पन्न हुई और शाहबानों का मामला सामने आया तब भी किसी ने पीएम के लिए पनौती शब्द का प्रयोग नहीं किया। राहुल फ्रस्ट्रेशन में ना करें ऐसा काम। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मरते मरते भी राजनीति को गंदा करने का पाप कर रही है। राहुल गांधी जी, आप अपने फ्रस्ट्रेशन में ऐसा काम नहीं करें। भारतीय राजनीति की मर्यादाओं को तार तार ना करें। उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। वो अपनी निराशा का राजनीतिक मर्यादाओं को ना तोड़े। राहुल गांधी जी ने कल भारत की राजनीति की सारी मर्यादाओं को तोड़ने का बेशर्म काम किया है और जिस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन राहुल गांधी की भाषा में दिख रही है उससे ये स्पष्ट है कि ये गांधी परिवार के बड़े बड़े घोटाले जो हैं उसमें ये फंस चुके हैं और इस फ्रस्ट्रेशन में अब ये इस प्रकार की निचली भाषा का इस्तेमाल करना जो कि पहले इनके प्यादे करते थे, जो काम कभी मणिशंकर अय्यर जैसे लोग करते थे अब वो काम खुद राहुल गांधी को आकर करना पड़ रहा है, तो यही बताता है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किस प्रकार से देश से भी कटा हुआ है और अपने कार्यकर्ताओं से भी कटा हुआ है और इस देश में राजनीति में इस प्रकार की भाषा का कभी इस्तेमाल किया नहीं गया। आप तो एक क्रिकेट मैच को लेकर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने लगे। इस देश ने तो तब भी प्रधानमंत्री को पनौती नहीं बोला जबकि आजाद होते ही कश्मीर चला गया पाकिस्तान के पास, तब भी नहीं बोला किसी ने इस देश में ऐसा। जबकि चीन से हार गए हम 1962 में तब भी किसी ने नहीं बोला। जबकि इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया गया, इमरजेंसी लगा दी गई, तब भी किसी ने प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। जब एक एक करके प्रधानमंत्री के ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे थे, एक प्रधानमंत्री गए दूसरे प्रधानमंत्री गए, तब भी उस परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार का व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई। लिट्टे की समस्या उत्पन्न हुई तब भी किसी ने यह नहीं बोला कि उसके अलावा भी चाहे शाहबानों का मामला हो, कितने भी मामले इस देश में हो, देश की अर्थव्यवस्था 1% 2% की गति पर रह जाती थी, किसी ने इस प्रकार का व्यक्तिगत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और फिर राहुल गांधी जी स्वयं का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनके राजनीति में आते ही उनका खुद का जो खानदानी सीट था वो चला गया, जिसके ऊपर ये मानते थे कि ये तो पूरे देश में एक सीट भी बचेगा तो ये बचेगा, वो भी हार गए। 200, 250, 300, 400 सीटों वाली पार्टी 40 सीटों की पार्टी बन गई। आज उन्हें खुद नहीं पता देश में कि वो कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो इस शब्द को अपने माथे पे चिपका लेंगे। लेकिन ये राजनीति का स्तर नहीं होता राहुल गांधी जी, और आप जो कर रहे हैं वो शर्मनाक है। आप अपनी खुद की व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशन को इस देश की राजनीति के संवाद में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। और पूरा देश ये देख रहा है कि कांग्रेस मरते मरते भी, समाप्त होते होते भी राजनीति की मर्यादाओं को और निचले स्तर पर ले जाने का काम कर रही है। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।